पेश है गुड मॉर्निंग J&K। बख़ैर अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K। प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर प्रोग्राम के मेजबान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मई की आज 16 तारीख है, 1442 हिजरी के माह शवाल की 4 तारीख, आज इतवार है। आम दिनों में, आम हालात में इतवार का बड़ा इंतजार रहता था हमें। हम पूरा हफ्ता प्लानिंग करते थे कि इतवार के दिन चूंकि छुट्टी है, फरागत में हम वो कुछ कर पाएंगे जो हम हफ्ते के बाकी दिनों नहीं कर पाए। इतवार का इंतजार बहुत ज्यादा बच्चों को भी होता था क्योंकि बाकी दिनों वो स्कूल होते थे, तो इतवार को उन्हें वक्त मिलता था कि वो अपनी फैमिली के साथ, अपने वालदेन के साथ वक्त सर्व करे। लेकिन अब उसके बिल्कुल बरक्स है। अब पूरा हफ्ता बच्चे घर में होते हैं और बेशतर लोग भी घरों में ही हैं क्योंकि इस वक्त कोविड लॉकडाउन की वजह से पाबंदियां आयद हैं, जिन पाबंदियों की बेहद जरूरत है। इस वक्त समझदारी यही है कि आप अपने घरों में ही रहें, लेकिन घरों में जब आप रहते हैं आपके पास बहुत सारा वक्त अवेलेबल रहता है, लेकिन उस वक्त को भी आपने अगर वैसे ही सर्व किया जैसे हम अदरवाइज करते थे कि घर के चार अफराद चारों अपने अपने मोबाइल फोन के साथ बिजी हैं, तो मुझे लगता है कि वो हम नहीं कह सकते हैं कि हम वक्त का मुनसिफाना और सही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि अगर हम घर में हैं तो वो कुछ करें जो कुछ हम अदरवाइज नहीं कर पाते थे, जिसके लिए हम तरसते थे कि काश अगर वाह कैसे ऐसे सो ये करा, अगर वाह कैसे ऐसे सो शुरन से वाह गुजारा, अगर वाह कैसे ऐसे सो पन्नीस किचन गार्डनस कुन यानी वार कुन आसो रुख करा तथे आसो सब्जी वपदावान, अगर वाह कैसे ऐसे सो पन्नीस लॉनस मज गसान ऐसे सो तथे पोश वपदावान। अब तो वक्त है, उस वक्त का सही इस्तेमाल करना है। वैसे भी बैठे बैठे अगर हम एक जगह ही बैठते रहे तो उससे ओबिसिटी के मामला पैदा हो जाएंगे, बहुत सारे इश्यूज पैदा हो जाएंगे। और वैसे भी कहते हैं कि ये इंसान एक जगह रोजान छा पत्स ग्यादा पानस खेनस कुन ज्यादा खुन तो पे प्रॉब्लमेटिक साबित ग, इसलिए जरूरी जो वक्त करो सही इस्तेमाल, पॉजिटिव इस्तेमाल। अम हवाल मे यकीन जो जन मीन आज लाइक तो फाय को होस्ट तिम तरह कह वन जती तजुर्बात हिंदिस बुनियाद पे मे सज प्रोग्राम मज नाजिमा। अस्सलाम वालेकुम नाजिमा। वालेकुम अस्सलाम। अज़र तुशो ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह तुशो ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बजा आप फरमा रहे थे कि आजकल हमें बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, हालांकि आज से वाल पाई कि कस वार क्या कि अगर नुह तुम सुबह शायद आने नाजरन ताय लगान कहें क्या हम घर में ही आजकल होते हैं तो ज्यादा बातों का ख्याल नहीं रहता कि तारीख कौन सी है, दिन कौन सा है। लेकिन बिल्कुल बजा फरमाया अजहर ने कि हमने पिछले साल भी देखा कि बहुत से दोस्त है जिन्होंने वीडियोज डाले यूट्यूब पे लाइव, वो बनाते थे कुछ कुकिंग करते थे या अपनी सेहत का ख्याल रखते थे, तो ऐसी ऐसी चीजें हम कर सकते हैं, खासकर अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं इस मौके पे। खासकर हमारी जो खवातीन है उनको अक्सर ये शिकायत होती थी कि हमने ऑफिस भी देखना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, तो इस टाइम पे आपको अपने लिए खास मौका मिल रहा है तो अपनी सेहत का अगर ख्याल रखेंगे तो ज्यादा बेहतर। वेरी ट्रू। और चलिए ठीक है, अब जिम का तो रुख नहीं कर पाएंगे ऐसे हालात में, लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि हल्की फुल्की ही सही, लेकिन एक्सरसाइज तो कर पाएंगे। वो हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, आपके पास यूट्यूब है भाई, यूट्यूब से आप जो भी चाहें वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, एक्सरसाइज कैसे करनी है, कैसे अपने आप को फिट रखना है वो आप जान सकते हैं। और साथ ही साथ दूसरी अहम बात वो ये कि आप बच्चों को चाहते हैं कि वो अच्छी तरह पढ़े लिखें, अच्छे ग्रेड्स हासिल करें, लेकिन उसके साथ साथ इस बात का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी होता है कि जो आपके बच्चे के अंदर छिपी क्रिएटिविटी है,
जो छिपी सलाहियतें हैं उनको आप उभारें, उनको आप निखारें, तो उसके लिए भी आपको आप अच्छा खासा वक्त मिल रहा है कि आप अपने बच्चों की क्रिएटिविटी को कैसे उभार सकते हैं, निखार सकते हैं। और असर बाज़ औकात ऐसा होता है बच्चों पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि बच्चों की क्रिएटिविटी को हम बाहर कैसे निकालें। हमने ये चीज भी देखी पिछले साल के बड़ों ने भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाई और बहुत ही खुशायन बात ये थी कि हमारे जो लड़के हैं माशाल्लाह किचन का उन्होंने किया और बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं जो मुझे सिखाते थे कि आज हमने ये चीज बनाई और बहुत अच्छा लगता था उन्हें देख के लड़के जो है खासकर ये चीज देख रहे हैं, नई नई चीजें सीख रहे हैं, किचन का रुख कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता था कि जब वो किचन की एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते थे, है ना। तो उनका भी जो नया नया टैलेंट है कुकिंग का वो बाहर आ रहा है और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। यू आर वेरी राइट और इसमें कोई कबाहत नहीं कि मर्द हजरात भी किचन का रुख करें। आपकी शरीक हयात तो आपके लिए हमेशा पकाती हैं, अच्छे अच्छे लजीज खाने बनाती हैं, या आपकी वालिदा, तो आप भी अगर रुख करें तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। आप देखिएगा इससे आपकी वालिदा और आपकी मिसेज और बाकी अफराद खाना के लबों पर मुस्कुराहट बिखरेगी और मुझे लगता है वो मुस्कुराहट जो है सबसे बड़ा एजाज होगा आपके लिए और सब लोगों के लिए। इस प्रोग्राम मज आगा सीमस तहताम वातनामा मौसम मुतलिक जान कोशिश कर वातनामो तहताम जान सान ये नेशनल हाईवेज तिमन हिंद हवाल तानकारी जत वत पे कौर कौन पक ट्रैफिक इम हवाल वातनामन जान तहताम नाजिमा जी। और अगर हम आगाज में मौसम की ही बात करें, हम सब जानते हैं कि मौसम जो है सपहर के बाद चेंज हो जाता है, मौसम में जरा तब्दीली आ जाती है, तो आज भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। ये महकमे मौसमियात की इतला है, उन्होंने बताया है कि आज भी जो है वादी कश्मीर में सपहर के बाद बारिशों का सिलसिला जारी हो सकता है। कई एक मकामात पे हमें गरज चमक के साथ आज भी बारिश देखने को मिल सकती है। अभी का दर्जा हरारत श्रीनगर का 13 डिग्री सेल्सियस और आज दिन का ज्यादा से ज्यादा 21 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। वहीं जम्मू में 37 डिग्री सेल्सियस ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 22 डिग्री सेल्सियस आज दिन का रिकॉर्ड किया जा सकता है। जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा की तरफ आए तो आज बताया गया है कि मौसम साजगार और सड़क की हालत बेहतर रहने की सूरत में छोटी मुसाफिर गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत होगी। ताहम उन्हें 6 से 12 नगरोटा, सुबह 7 से 1 उधमपुर और सुबह 7 से दोपहर के 12 बजे तक काजीगुंड पार करना होगा। बड़ी मालबरदार गाड़ियों को भी आज जो है उधमपुर से श्रीनगर आने की इजाजत होगी। रुख करते हैं SSG रोड का, तो मौसम साजगार और सड़क की हालत बेहतर रहने की सूरत में SSG रोड पर जो है आज एकतरफा गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। आज श्रीनगर से गाड़ियों को करगिल की तरफ रवाना किया जाएगा। सोनमर्ग से उन्हें 7 से 3 बजे तक जो है करगिल की तरफ रवाना किया जाएगा। दरख्वास्त वही रहेगी हर बार की तरह के जो सफर है शुरू करने से कबल ही आप मजीद तफसीलात के लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबता जरूर कायम करें और राबता आपने जो कायम करना है वो दिए गए नंबरात पे ही करना है जी। और जनाब फोन नंबरात भी हम मुश्तहर करते हैं, हम डिस्प्ले करते हैं वो नंबरात भी, जिन नंबरात पर अगर आप चाहें तो राबता कायम कर सकते हैं ताकि आप नेशनल हाईवेज के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करें। कश्मीर में कोविड-19 का पहला मुस्बत केस 18 मार्च 2020 को सामने आया था, उसकी तस्दीक हुई थी और जब से हमारी भी ये कोशिश रही, दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की ये कोशिश रही कि कोविड-19 के ताल्लुक से जागृति और बेदारी पैदा करें। अब जानते हैं कि पिछले साल कोरोना वायरस से मुकाबला प्रोग्राम भी हमारे यहां से टेलीकास्ट हुआ, उसको भी आपने बहुत पसंद किया और इसके अलावा जो दूसरे प्रोग्राम हैं जिनमें कोविड-19 के हवाले से बात हुई उन प्रोग्रामों को भी आपने काफी सराहा, उसकी सताइश की। और हम गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम में आप जानते हैं कि आजकल बात करते हैं कोविड-19 के हवाले से, हम कोशिश करते हैं कि हम वाले जीन को प्रोग्राम में दावत दें और आपको भी हम मौका देते हैं कि आप फोन के जरिए उनसे सवालात पूछें। इसका हमने आज भी अहतमाम रखा, एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम मौलिज हमारे साथ रहेंगे प्रोग्राम में जिनसे मुलाकात आपकी कराएंगे जरा देर बाद। अल्ताफ डार सानीवादी हैं, सठी खूबसूरत खुशलहन गुलकार, सठा कम वॉइस मज मिलोमन जान एक्सपोजर तो जान शोहरत, इन्जी आवाज मज करो प्रोग्राम किस आगाज मज तुंद बापत यह बात पेश। वलहोस कनम हज दूर मथल, वलहोस कनम हज दूर मथल, ये छ्यान गजल ये छु साज दिलुक आवाज बदल, ये छु साज दिलुक गजल वलहोस कनम हज दूर मथल।
दरगाह चश्मन सुन्यान दिल कोई सरू चश्मन सुन्यान दिल कोई सरूर क्या रोजा पान छुक में शुरूर क्या रोजा पान छुक में शुरूर कन पे बरगड़ नहीं कन पर कल कन पे बरगड़ नहीं कन पर कल ये छम्यान गजल ये छम्यान गजल ये छम्यान गजल ये छम्यान गजल वल भोस कनव अज दूर मचल वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जे एंड के। बराह रास्त हम आपसे मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से। कल आलमी सतह पर हाइपरटेंशन का दिन मनाया जाता है और आज हमने सोचा कि क्यों ना एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स और डिजीज के ताल्लुक से बात करें, लेकिन कोविड 19 के तनाजुर में जो हमारे वो दोस्त हैं, क्योंकि अगर हम बात करें डायबिटीज की बात करें, हम थायराइड की बात करें, ये वही नजला जुकाम वाली बात हो गई है। इसमें कई सारे लोग अब मुब्तला हुए हैं हमारे यहां भी, जिसके लिए एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है, तर्ज जिंदगी है, वो बदल गया और साथ ही साथ जो हमारी खान पान की आदात हैं वो भी तब्दील हो गई। तो आज हम बात करेंगे उन दोस्तों के हवाले से, उन मरीजों के ताल्लुक से, उन पेशेंट्स के हवाले से जो ऐसे अमराज में मुब्तला है। हम बात करें डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की, हम बात करें थायराइड की या इस किस्म के जो दूसरे अमराज हैं, कि कोविड 19 के ताल्लुक से अगर बात करें उन्हें किस किस्म का एहतियात बरतना होगा और अगर उन्हें अल्लाह रहम करे, अल्लाह बचाए, अपनी हिफाजत में रखे उन्हें यह वायरस लगता है तो किस तरह उनकी रिकवरी मुमकिन है, उनको कौन से एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने हैं, कौन सी अद्वियात लेनी है और किस तरह वो इस फेज से बाहर आ सकते हैं। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमने आज के प्रोग्राम में मौजूद किया है वादी के मशहूर और मारूफ मौलिज को,
ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ جب کووڈ 19 کے تعلق سے پچھلے سال کیسز کا آنا شروع ہو گیا، انہوں نے اپنی کلینک بند کر دی، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنا فون 24/7 آن رکھا اور یہ پیشنٹس کی کال ہمیشہ لیتے رہے، نہ صرف جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے پیشنٹس کی بلکہ جموں کشمیر سے باہر جو دوسری ریاستیں ہیں، جو دوسری یوٹیز ہیں، وہاں سے بھی کوئی پیشنٹ کال کرتا ہے تو یہ کال لیتے ہیں، اگر نہیں لے پائیں گے کسی مجبوری کے سبب تو کال بیک کرتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ایسی سچویشن میں ایسے مولجین کا اس قسم کا اپروچ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر ہردیپ سنگھ، جو پروفیسر ہیں میڈیسن کے، جی ایم سی سری نگر کے ساتھ منسلک ہیں اور ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف آور، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ چونکہ گڈ مارننگ جین کے پروگرام میں ہماری آپ سے ملاقات آج پہلی مرتبہ ہو رہی ہے، مختصر نہیں صحیح، لیکن ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا اپنا تعارف دیں کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور یہ ڈاکٹری کا پیشہ اختیار کرنا کس طرح ہوا اور پھر اسپیشلائزیشن میڈیسن میں کیوں؟ دیکھیے، بیسکلی ہم ڈسٹرکٹ بارہ مولہ سے تعلق رکھتے ہیں جی، اس کے بعد میرے والد جو تھے وہ 47 کے بعد یہاں سری نگر میں شفٹ ہو گئے، اوکے اوکے، تو بزنس کیا کرتے تھے جی، تو تب سے ہمارا بھی رہنا یہی ہوا، میری سکولنگ یہی پہلے پبلک سکول سے ہوئی، پھر ڈی اے وی سکول سے ہوئی جی جی، اس کے بعد ایس پی کالج میں پڑھنا ہوا، ٹویلتھ پاس کرنے کے بعد پھر خدا کے فضل سے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گئی جی، تو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے بعد 84 میں میری گریجویشن ہوئی رائٹ، اس کے بعد انٹرنشپ ایک سال کی ہوئی، پھر 85 میں نے ہاؤس جاب کیا، تو خدا کے فضل سے بہترین جو ہمارے اس وقت کے لیجنڈری فزیشین تھے، ڈاکٹرز تھے، جیسے ڈاکٹر الاغ بند صاحب ہیں، ڈاکٹر یوسف صاحب ہیں، تو دورانی صاحب ہیں، چودھری صاحب، ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، سیکھنے کا موقع ملا، تو اس کے بعد ہاؤس جاب کرنے کے بعد میری جاب لگ گئی جی، اور میری فیلڈ میں پوسٹنگ ہوئی ایک جگہ یہاں ڈسٹرکٹ بڑھوا میں گندی پر ہوں، وہاں لگ بھگ 3.5 سال میں نے فیلڈ میں جاب کیا۔ اس کے بعد جو ہی ہمارا پوسٹ گریجویٹ انٹرنس ایگزامینیشن ہوا ہمارا جی، تو فرسٹ جو ریٹن انٹرنس ہوا تو اس میں میں اپیئر ہوا اور میری پوسٹ گریجویٹ سلیکشن ہو گئی، تو اس کے بعد میں نے ایم ڈی کیا، وہ بھی گورنمنٹ میڈیکل کالج ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل میں، تو پروفیسر سعید ظفر مہدی صاحب میرے گائیڈ تھے، میرے گائیڈ تھے، اور ہمارے ڈاکٹر لاکبن صاحب ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، تو ان کی ہی نگہداشت میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، ان سے سیکھنے کا موقع ملا، اور اس کے برابر ہی ہم یہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر لوگ کہ ہمیں پیشنٹ سے سیکھنے کا موقع ملا، پیشنٹ سے، تو جتنا ہم نے پیشنٹ سے سیکھا اور اپنے گائیڈس کی گائیڈنس میں بہت کچھ، جو کچھ بھی آج ہم کر رہے ہیں یا سوسائٹی کو دے رہے ہیں تو یہ پہلے اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں میری مدر کی دین ہے، میری ٹیچرز کی دین ہے، اور میرے پیشنٹس کی دعا ہے کہ میں واپس کر رہا ہوں جی۔ اور اظہر صاحب کے سوال کا ایک حصہ رہ گیا کہ میڈیسنز کا ہی انتخاب کیوں؟ اس لیے دیکھیں، میں سچ یہ کہہ رہا ہوں کہ جس زمانے میں میں میڈیسن میں میں ہاؤس جاب کرنے کا جی، اس زمانے کے ہمارے کشمیر کے لیجنڈری لوگ جو تھے وہ میڈیسن میں تھے، پروفیسر علی جان صاحب، ڈاکٹر پروفیسر نصیر صاحب، ڈاکٹر الاغ بند صاحب، ڈاکٹر دورانی صاحب، ڈاکٹر کے ایل چودھری صاحب، اب جتنے بھی ہماری اسٹیٹ کے جن کو بولے ایک دم لیجنڈری ڈاکٹرز تھے وہ سب میڈیسن میں تھے، ان لوگوں جن کا لوگ تھا، تو ہمیں بھی یہ شوق ہوتا تھا کہ کاش ہمیں موقع ملے ان کے ساتھ سیکھنے کا، اور جس طرح وہ پیشنٹس دیکھتے تھے، جو پیشنٹس کو ڈیلیور کرتے تھے، تو ہمیں لگتا تھا کاش ہم بھی آگے جا کے اتنا نہ تو تھوڑا بہت ایسا ہی کریں، تو ہمیں سیٹسفیکشن۔ ونڈرفل، بہت ہی اہم بات کی آپ نے جن لیجنڈری ڈاکٹرز کا نام لیا جن پر ہم سب کو فخر ہے کہ انہوں نے جو ہے میڈیسن کی شاخ کا جو ہے اس وقت چوز کیا اس کو، اور انتخاب کرنے کے بعد آپ کو بھی لگا، آپ کو انسپریشن ملی اپنے اساتذہ سے، آپ نے بھی میڈیسن میں ہی پوسٹ گریجویشن کی۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، کووڈ 19 کے تعلق سے چونکہ بات کرنی ہے، وقت کی ضرورت ہے کہ اس پر ہم بات کریں اور مفصل جانکاری آپ سے حاصل کریں، کووڈ 19 کے حوالے سے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، چونکہ جو انڈوکرائن ڈسارڈرز ہیں، ڈیزیز ہیں، ان ڈسارڈرز اور ڈیزیز میں جو مبتلا لوگ ہیں وہ بڑے ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں، خاص کر ہم پچھلے سال کی بات کریں، پچھلے سال بھی وی ریسیوڈ سو مینی فون کالز
जहां पर कोई डायबिटिक पेशेंट हो या कोई थायराइड का पेशेंट हो, वो बड़े डरे हुए सहमे हुए थे कि हमें बताइए क्या हमें कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि अगर किसी को कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, डिजीज है, उसके बाद उसके कोविड पॉजिटिव होने के क्या चांसेस ज्यादा है आम लोगों के मुकाबले में, और सवाल का दूसरा हिस्सा है अगर कोविड पॉजिटिव होता है ऐसा पेशेंट, क्या उसकी रिकवरी कदरे मुश्किल है आम लोगों के मुकाबले में? देखिए, पहले अपने एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स का, तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में एक बिल्कुल सबसे बड़ा एक डिसऑर्डर जो वो डायबिटीज मेलाइटिस, थायराइड लें उसका उतना नहीं है, बाकी का तो उतना बिल्कुल नहीं, वो बहुत रेयर है। सबसे जो इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर जो वो डायबिटीज है, डायबिटीज मेलाइटिस जिसको हम कहते हैं, 35% देखा गया है अमेरिकन स्टेट्स में या इंटरनेशनल लेवल पे जो हॉस्पिटल एडमिशंस हुए इंटरनेशनली, 35% ऑफ उन लोग जो थे वो डायबिटिक्स थे। अब रहा सवाल कि ये क्यों जी? किसी भी डायबिटिक पेशेंट का और एक आम जो नॉन डायबिटिक पेशेंट है उसका कोविड कंट्रैक्ट करने के चांसेस बराबर है। बिल्कुल बराबर, ये नहीं कि वो रिस्क पे है वो नहीं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई भी डायबिटिक कोविड कंट्रैक्ट कर लेता है तो फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसके बहुत से वजूहत हैं, उनका डायबिटिक स्टेटस कंट्रोल है कि नहीं है, दूसरा उन डायबिटिक्स के साथ कोमॉर्बिड इलनेस होती है, ब्लड प्रेशर उसकी सिस्टर डिजीज मानी जाती है, ब्लड शुगर की जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, तो उसके साथ उनका हो सकता है वजन भी ज्यादा हो, ये चीजें चल के उनको एक्सपोज करती हैं कॉम्प्लिकेशंस के लिए ज्यादा। ओके, राइट। अब से दोबारा बात करेंगे, आपकी तरफ आएंगे और भी बहुत सारी जानकारी आपसे हासिल करनी है। अभी फोन लाइन पर हमने जोड़ा है डॉक्टर शफकत खान साहब को, जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिका कमिश्नर हैं और आजकल हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी की हैसियत से फराइज अंजाम दे रहे हैं। सेहतियामा यानी पब्लिक हेल्थ की इनको अच्छी खासी जानकारी है, इसका काफी तजुर्बा हासिल है। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनके तासुरात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शफकत खान साहब। वालेकुम सलाम अजहर साहब, आप कैसे हैं डॉक्टर साहब, तबीयत ठीक है? जी शुक्र है, अल्लाह सलामत रखे आपको। हम आपसे जानना चाहेंगे बीइंग एन एक्सपर्ट ऑन पब्लिक हेल्थ कि जो अभी की सूरत हाल बनी हुई है, लोगों में अक्सर बेशतर इस किस्म के एंग्जाइटी इश्यूज भी होते हैं, लोग बड़े डरे हुए हैं कि अब पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा हमें इस पैंडेमिक से, कभी छुटकारा मिलेगा भी कि नहीं। हालांकि उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इंफरादी सतह पर भी, इज्तिमाई सतह पर भी वो इकदाम उठाएं जिससे हम इस कोविड की जो महामारी है इसको कंट्रोल कर पाए, इसको फैलने न दें। लेकिन बीइंग एन एक्सपर्ट, आप अपनी राय बताएं, आप अपने तासुरात कहें इस हवाले से। देखिए अजहर साहब, आपके पास इस टाइम डॉक्टर हरदीप सिंह सर बैठे हैं, जी इज द प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, इन्होंने आपको काफी सारी जानकारी दी होगी। लेकिन हम समझते हैं कि जो ये पेंडेमिक पहले भी आए हैं वर्ल्ड में, तो दे हैड ए लाइफ एंड दे लेफ्ट दिस प्लेस, तो ऐसे ही जो पब्लिक हेल्थ ओपिनियन है इस बारे में वो ये है कि ये पेंडेमिक एक वेव में या दो वेव में जैसे भी इसका अपना वो रुझान होगा आएगा, लेकिन जरूर चला जाएगा। राइट, तो ऐसी उम्मीद रखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लोगों के एहतियात के ताल्लुक से, हालांकि हुकूमत की जानिब से इकदाम उठाए जा रहे हैं कि लोगों को बाखबर किया जाए और इस हवाले से लोगों को बताएं कि किस किस्म के एहतियात आपको करने हैं, किस किस्म की एहतियाती तदाबीर पर आपको अमल पैरा होना है, लेकिन इसके साथ साथ कई लोग ऐसे हैं अभी भी हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, जिन्हें बात पूरी तरह समझ नहीं आती है। वो आज भी निकलेंगे तो मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आज भी निकलेंगे तो सोशल गैदरिंग्स में पार्टिसिपेट करेंगे और फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखेंगे, ऐसे लोगों के लिए क्या मशवरा होगा आपका? देखिए, आपने जहां तक रुझान देखा होगा, जिन लोगों ने सबसे कम एहतियात बरता वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए, और जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं मोस्टली उनमें वही लोग हैं जिन्होंने इस बात को नकारा कि ये पैंडेमिक कोई ऐसी खतरनाक चीज है। हम समझते हैं कि जो बेसिक एटिकेट्स हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कोविड के, वो मास्किंग से शुरू होके और हैंड वॉश से और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उस पे और वैक्सीनेशन पे खत्म होती है। इसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए कि ये अगर इश्तराक, जैसे देखिए इस टाइम लॉकडाउन है
और सराहना चाहते हैं हम पब्लिक को, लोगों को, कि कैसे रिस्पॉन्सिबली वो अपने घरों में बैठे हैं। ऐसी ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लोगों की टुवर्ड्स मास्किंग, टुवर्ड्स सोशल डिस्टेंसिंग, टुवर्ड्स गोइंग फॉर द वैक्सीनेशन। देखिए, वैक्सीनेशन के लिए भी लोगों पहले पहले थोड़ा सा इतराहट थी, इसकी वजह से वैक्सीनेशन ड्राइव अभी 50% पे है। अगर शुरू से ही लोग इस बात को समझ जाते कि ये एक प्रॉब्लम है, इट्स ए पेंडेमिक, इट्स ए वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, तो अभी हमारी वैक्सीनेशन भी कई हद तक ज्यादा होती। तो हम समझते हैं कि हसास होना, रिस्पॉन्सिबल होना पब्लिक की जिम्मेवारी रहे। जी डॉक्टर साहब, अक्सर कहा जाता है कि अच्छे के लिए आप उम्मीदवार रहें और जो बुरा है उसके लिए तैयार रहे, तो इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं अगर खुदा न खास्ता आगे कुछ ऐसे मामलात हुए तो? हम कहते हैं कि सरकार की जो हाईएस्ट लेवल पे एलजी साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन के सारे अफसर हैं, वो एक लेवल पे अपना जो तैयारी हमारी जरूरत होनी चाहिए उसकी सुबह से शाम तक तैयारी रखते हैं। फिर हमारे फ्रंट वॉरियर्स हैं जो मेडिकल अमला है, बिल्कुल जी, इनको भी हमने सराहना चाहिए। देख रहे हैं कि पिछले दिनों हमारे कुछ डॉक्टर्स जहां गवाह बैठे लोगों की खिदमत में जी। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर भी आपने देखा, सीनियर केएस ऑफिसर्स, दे वेर ऑन ड्यूटी इन द सिविल सेक्रेटेरिएट, दे हैड टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ व्हाइल डूइंग देयर ड्यूटीज। तो हम समझते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को मोबिलाइज रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने ली है, उसको हमने सराहना चाहिए। वी हैव टू बी पॉजिटिव थिंकर्स और हमको एक हैबिट बनानी चाहिए टू सी गुड इन एवरीथिंग रादर देन सीइंग द स्मॉल ऑल जो बैड्स होते हैं। तो हम समझते हैं कि जो इतनी काविशें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक की हैं, आई थिंक उनको सराहना चाहिए और पब्लिक को इन पॉजिटिविटी लेना चाहिए। राइट राइट, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू। थैंक यू अदर साहब। थैंक यू। हम बात कर रहे थे डॉक्टर शफकत खान साहब से जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में। आपका बहुत शुक्रिया एक दफा फिर जुड़ने के लिए हमारे साथ। और हमारे साथ प्रोग्राम में है हमारी खुशबख्ती डॉक्टर हरदीप सिंह साहब जो प्रोफेसर है मेडिसिन के जीएमसी श्रीनगर के साथ ये वाबस्ता एसोसिएटेड हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह आप अभी कह रहे थे डायबिटीज के हवाले से कि बहुत ही ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, और आप ये कह रहे थे कि एक दफा अगर कंट्रैक्ट होता है ऐसा पेशेंट कोविड-19 के वायरस से, उसके बाद रिकवरी कदरे मुश्किल होती है और कभी कभार अल्लाह रहम करे कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो इस किस्म के पेशेंट्स हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा एहतियात बरतना है ताकि उन्हें ये वायरस न छुए। हमें ये बताइएगा कि ऐसे में घर के जो दूसरे अफराद हैं उन पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है ऐसे लोगों के प्रति? सबसे बड़ी बात, पहले उनकी अपनी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो जो अगर उनको जो भी दवाइयां ले रहे हैं डायबिटीज कंट्रोल करने की, चाहे वो टैबलेट्स ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं, वो अपने टाइम पे लें। ओके। और मैं ये भी मशवरा दूंगा कि लास्ट ईयर भी लॉकडाउन हुआ था, अब भी हुआ, तो ये बड़ी एसेंशियल लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, तो वो एडवांस में ला के रखें। अगर पहले वो 15 दिन की लाते थे तो महीने की ला के रखें। कभी शॉर्ट के ट्रांसपोर्टेशन की बहुत सी इश्यूज होते हैं, तो ये दवाइयां लाइफ सेविंग उनके लिए एडवांस में ला के रखें। दवाइयां टाइम पे खाएं और मैं ये कहूंगा कि घर में भी वो मास्क लगा के रखें। उसके बाद दो चीजों का ख्याल रखें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो उन्हें बताई जाती है डॉक्टर साहिबान की तरफ से, अपनी डाइट में बिल्कुल कोताही ना करें, जो डाइट बताई गई है वैसे ही लें। डाइट प्लान दिया जाता है एक डायबिटिक पेशेंट को कि आपकी डाइट ये आप इतना लेना है। जी 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 जी। दूसरी अहम तीसरी बात यह रहती है कि फिजिकल एक्टिविटी एक डायबिटीज पेशेंट्स के लिए एक ट्रीटमेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा। इनफैक्ट हमें ये नंबर वन पे लाते हैं, नंबर टू पे डाइट मॉडिफिकेशन लाते हैं, नंबर तीन पे जो है मेडिसिन लाई जाती है। अब रहा कि लॉकडाउन है तो लोग क्या करें? तो मैं ये मेरा कहना यह है कि जिन लोगों के अपने यहां सहन है उसमें बाकायदा वो 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक जो उनका प्लान है ब्रिस्क वॉक करें और वो इस चीज का ध्यान रखें कि कोई आसपास नहीं है। लॉन में अगर अकेले हैं तो वो वॉक करें, सुबह करें या शाम को करें। अगर एट अ टाइम 45 मिनट्स नहीं कर सकते, 20 मिनट सुबह कर लें, 20 मिनट शाम को कर लें। अब दूसरा स्टेप होता है कि हर किसी के यहां लॉन नहीं होता,
तो दूसरा है कि अगर आपका छोटा मोटा भी सहन है, आपके यहाँ पाथ है घर के बाहर, उस पर जरूर वॉक करें जी। ये अपनी रूटीन बनाएं कि जैसे मैं पहले करता था, ये नहीं कि लॉकडाउन है कि मुझे कमरे में बैठ जाना, नहीं, उस पाथ पे चले, अपना फिजिकल एक्टिविटी वॉक करें जी। उसके अलावा अगर वो भी नहीं है, कोई लोग फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट में भी एक पाथ हो, गली होती है, कॉरिडोर होता है, एक हॉल होता है कमरे, आप उसमें मेक इट श्योर कि आप उसमें चलें, वॉक करें। उसके अलावा आप अगर कोई दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, वो उसके लिए तो आपको जगह ज्यादा चाहिए नहीं, आराम से आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, हेल्दी एक्सरसाइज है, उससे आपके लंग ब्रीद करेंगे, ज्यादा एक्सपेंसल होंगे, ज्यादा वो खुलेंगे, ज्यादा हवा साफ करेंगे, वो तो ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट। चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मशवरा आजकल यही देते हैं पेशेंट्स को, खासकर वो लोग जो इंसुलिन ले रहे हैं, अब लैब्स में जाना अवॉइड करें। अच्छा। ग्लूकोमीटर घर पे रखें, 500 से लेके 800-900 रुपए तक आता है वो, ग्लूकोमीटर जरूर रखें, उससे अपना शुगर चेक करें, जैसे भी डॉक्टर साहब ने आपको कहा फास्टिंग करें या खाने के 2 घंटे के बाद, और अपने डॉक्टर साहब के साथ इन टच रहें। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लगे कि मेरा शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, देखिए इन्फेक्शन हो सकती है कुछ भी, लेकिन शुगर का कंट्रोल रहना पहले भी जरूरी है, और खुदा खास्ता अगर वायरल इन्फेक्शन हो तो उसके बाद भी रहना बहुत जरूरी है। तो ये मैं ऐड करता हूँ, ग्लूकोमीटर का होना, अपने डॉक्टर साहब के साथ इन टच रहना जी। और उसके बाद भी, और दिमाग में ये डर नहीं रखना खौफ कि हाँ कुछ हो जाएगा, एकदम माइंड फ्री रखना है, ये ख्याल रखें कि मुझे अपना जैसे डायबिटीज पहले कंट्रोल रखना था, अब भी कंट्रोल रखूं, और जो जनरल प्रिकॉशंस हैं वो लूं, तो वेरी ट्रू डॉक्टर साहब। और इसमें पॉजिटिव रहना जहनी तौर बहुत जरूरी है, तभी मामला बेहतर होंगे। और जिस तरह आप बजा फरमा रहे थे कि अपने डॉक्टर के साथ राबते में रहना है, क्योंकि फिजिकली शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा आपको कि आप उनके क्लिनिक पर जाएं या अस्पताल जाएं, अस्पताल जाने से वैसे भी लोग डरते हैं, क्योंकि वहां पर जाहिर सी बात है मुख्तलिफ इलाका जात से लोग आते हैं इलाज मुआलजे के सिलसिले में, और क्या पता कौन सा शख्स अपने साथ ये वायरस कैरी कर रहा है, इसलिए लोग डरते हैं। लेकिन ऐसे में मौलजीन से भी हमारी मौदबाना गुजारिश, हमारी दरखास्त कि इस वक्त अपने अप्रोच में थोड़ी सी तब्दीली लाए, क्योंकि जो पेशेंट्स हैं वो काफी मजबूर हैं, उनके पास पॉसिबल ही नहीं है कि वो क्लिनिक जाएं, क्लिनिक्स बंद पड़े हैं, नहीं मुमकिन है कि वो अस्पताल जाएं क्योंकि वो डरे हुए हैं। ऐसे में आप पर जिम्मेदारी आयद होती है कि मोबाइल फोन अपना ऑन रखा करें और कॉल्स को रिस्पॉन्ड किया करें, और हम कोशिश करते हैं प्रोग्राम में भी कि आपको हम मौका फराहम करें कि आप स्पेशलिस्ट से बात करें, मौलजीन से बात करें, अपनी बात उन तक पहुंचाएं, अपने सवाल उन तक पहुंचाएं। आज भी इसका एहतमाम होगा, 2 नंबर है जिन पर आप रब्ता कायम कर सकते हैं, नंबर जरा देर बाद आपको हम बता देंगे, लेकिन फिलहाल आपको हमारे साथ रुकना होगा एक वक्फे के लिए, वक्फे के उस पार मजीद बातें होंगी, देखते रहें गुड मॉर्निंग जे एंड के। वरदान आईवीएफ सेंटर, मुल्क का नामवर आईवीएफ सेंटर जो जालंधर और अमृतसर में जेर पजीर है। वरदान पिछले कई सालों से आईवीएफ की उड़ान में सबसे कामयाब तरीन सेंटर है, जहां हजारों बे औलाद जोड़ों को औलाद की खुशी मयसर हुई है। अब वरदान की टीम श्रीनगर में बे औलाद जोड़ों का तसल्ली बख्श इलाज करने के लिए हर दिन दस्तियाब रहेगी। अपॉइंटमेंट या मजीद जानकारी के लिए डायल करें 9814021991। याद रहे 19, 20 और 21 मई को बाहर से वरदान के डॉक्टरों की टीम मगर मलबाग श्रीनगर बीमारों का इलाज करने के लिए आएगी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग जे एंड के। बराह रास्त आप हमारे साथ देख पा रहे हैं, आपको बताते चले कि आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं फोन कॉल्स के जरिए। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और जो नंबर्स हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं। ये वक्त होता है आप तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाने का, आगाज मैं ही करूंगी और आगाज होगा इस उर्दू अखबार से। कोविड के हवाले से ये खबर, कोरोना की शिद्दत बरकरार, 3,677 मुस्बत, 63 की मौत, 4,140 शिफायाब, फौल मामलात की तादाद 51,475, जबकि मुतासरीन का हिस्सा 2,40,467 तक पहुंच गया। राइट, उर्दू अखबार है मेरे पास, पहले सफे की सुर्खी सुनिएगा। कोरोना के फैलाव की रोकथाम के लिए कसीर जहती पॉलिसी, हम जल्द ही इस वबाई मर्ज पर एक साथ फतह हासिल करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी। अंग्रेजी अखबार मेरे पास, इसे दो सुर्खियां, पहली सुर्खी एक्सेसिव यूज ऑफ पैरासिटामोल हार्मफुल एक्सपर्ट्स, और इसी अखबार से और एक सुर्खी, एलजी सेट्स 10-डे टाइमलाइन फॉर 100% वैक्सीनेशन ऑफ अबाउ 45 एज ग्रुप जी। उर्दू अखबार की सुर्खी सुनिएगा, जम्मू कश्मीर के सभी 20 अजला में जारी कोरोना कर्फ्यू में 24 मई तक तोसी, श्रीनगर में कोविड से निपटने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं, 500 बिस्तरों वाले अस्पताल पर काम जारी, डीसी श्रीनगर। आखिरी अखबार मेरे पास उर्दू अखबार, इसे यह खबर, वजीर आजम ने कोविड सूरतहाल का लिया जायजा, मकामी सतह पर फैलाव रोकने की हिकमत अमली है जारी।
अंग्रेजी अखबार की सुर्खी, डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक टेक स्टॉक ऑफ सिचुएशन इन बांदीपोरा हॉस्पिटल्स। ये थी अखबार की सुर्खियां और दो नंबर आते हैं ऐसे जिन पर आप रबता कायम कर सकते हैं। हालांकि सुकराल में भी आप देख सकते हैं वो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं 2481832 2481813, और मोबाइल फोन से डायल कर रहे हैं तो आपको पहले लगाना होगा, प्रीफिक्स करना होगा 01940194। हमारे साथ हैं प्रोग्राम में डॉक्टर हरदीप सिंह, प्रोफेसर है मेडिसिन के जीएमसी श्रीनगर के साथ मुझसे। लेकिन डॉक्टर साहब, इस वक्त की ये जरूरत है कि जो होम आइसोलेशन में है या अदरवाइज भी लोग एहतियातन घर में ऑक्सीमीटर रखें, थर्मामीटर रखें या इस किस्म का इक्विपमेंट रखें, लेकिन इनके इस्तेमाल के हवाले से भी लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है। हमें बताइए कि खासकर ऑक्सीमीटर के इस्तेमाल के ताल्लुक से कि किस तरह इस्तेमाल करना है। देखें, ऑक्सीमीटर इस्तेमाल करने के प्रेफरेबली जो पोजीशन होनी चाहिए वो बैठ के देखें, हर पेशेंट बैठ के देखें जी, बैठ के, चाहे वो अगर राइट हैंडेड पर्सन है तो राइट हैंड में लगाएं, हाथ आराम से जिस तरह मैंने कुर्सी पर हाथ रखा हुआ है हाथ को एक जगह स्टेबल कर लें। इस चीज का ध्यान रखें कि आपका हाथ गीला ना हो जी। इस चीज का ध्यान रखें कि आपका हाथ ठंडा ना हो जी। अच्छा। उंगली आपकी ठंडी ना हो जी। और आपका हाथ मुंह ना हिलता ना हो। ओके, आप वॉशरूम से होके आए हैं, पेशेंट या कोई भी आया है, उसने हाथ गीला है, पूरा साफ नहीं किया और वो जो रीडिंग ठीक नहीं देगा। आपका हाथ ठंडा है, रीडिंग ठीक नहीं देगा। आपका हाथ हिल रहा है, बाजू हिल रही है, रीडिंग ठीक नहीं देगा। आप आए बैठे इसी तरह जिस तरह मैंने ये आर्म चेयर पे अपना हाथ रखा हुआ है, स्टेबलाइज किया हुआ है, इस पे लगाएं, मिडल फिंगर में प्रेफरेबली लगा लें और एक मिनट तक उसकी ओर मत देखें। अच्छा, ओके, आपने लगाया वो 78, 80 से स्टार्ट हुआ तो पेशेंट एकदम घबराता मेरा तक, एक मिनट तक आप प्रेफरेबली उसकी ओर मत देखें, रिलैक्स करके बैठें हाथ लगा के, एक मिनट के बाद आप ऑक्सीमीटर की ओर देखें, वो रीडिंग करेक्ट जी, रीडिंग वो जाके वहां लगभग रुक जाएगी। okay. उससे पहले वो जीप करती रहेगी, फ्लक्चुएट करेगी, रुक जाएगी, वो आपकी असली रीडिंग होगी और उसमें आपका पल्स भी रेड हो गया। तो शायद यही कोताहियां हैं जो हम गलतियां करते हैं। बहुत से लोगों को ये देखें जो फोन करते हैं, सर मेरा ड्रॉप हो गया। मैंने बोला कोई बात नहीं, परेशान मत होए, अब लेटे हैं, बैठे हैं, बैठ जाए, टेबल पे रखें, डाइनिंग टेबल पे, ऐसे टेबल पे रखें, स्टेबलाइज हो जाए। फिलहाल सर हमें भी पहला कॉल मौसूल हुआ है और ये रुखसाना जी है हमारे साथ, दलगेट से जुड़ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बहुत अच्छा हुआ कि आप ये डॉक्टर साहब ऑनलाइन आए हैं जी। तो मुझे एक क्वेश्चन करना है, सिर्फ ठीक है डायबिटीज के लिए मेडिसिन और सब कुछ, मगर अभी जिसके घर में पॉसिबल नहीं होगा मेडिसिन लाने के लिए, चाहे एक मंथ के लिए चाहे दो दिन के लिए, क्योंकि पूरा लॉकडाउन है, जिसके पास कोई ऐसा नहीं है, तो ऐसा कुछ होगा कि जहाँ पे हमें, जिसके ऐसे आम इंसान के लिए मेडिसिन लेना आसान होगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स की बात कर रही हैं। डॉक्टर साहब का जवाब सुनिए, बहुत शुक्रिया सवाल पूछने कॉल करने के लिए। पहली बात कि पिछले साल भी इस बार भी जितना भी सख्त लॉकडाउन हो, केमिस्ट शॉप जो ओपन रहती है, सही बात, बिल्कुल, हमारे हॉस्पिटल की फेयर प्राइस शॉप ओपन रहती है। इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक और बात बता दूं कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर दो मेडिकल शॉप्स हैं, एक आयुष के सिस्टम से, एक और वहां दवाइयां बहुत सस्ती मिलती हैं, खासकर शुगर की दवाइयां इंसुलिन की 1/3, 1/4 रेट पे, चौथाई, एक चौथाई, एक तीसरे रेट पे, बहुत ही सस्ती रेट पे मिलती हैं और वो खुली रहती हैं। तो मैं दवाइयां लेना बहुत जरूरी है, दवाइयां अवेलेबल है और पेशेंट को नहीं रोकते अगर आपने दवाई लेने जाना है तो ये दो, क्योंकि एसेंशियल सर्विस है, जहां हमारा डॉक्टरों का एसेंशियल सर्विस है, हमारा हॉस्पिटल जाना एसेंशियल है, तो दवाइयां जो हमने लिखी पेशेंट्स को वो भी मिलनी तो चाहिए। तो दवाइयां ऐसा ये नहीं हो सकता कि कोई डायबिटिक वाला पेशेंट जो है ये दवाई खा रहा है, हम उसको कहने ये दवाई नहीं है वो खाएं, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। दवाइयां बिल्कुल अवेलेबल है और कोई दवाई मैं भी कह दूं कि शॉर्ट नहीं है जी, जी, जी। और मैं ये भी कह दिया कि अगर आपको थोड़े सस्ते रेट पे बोले आप हॉस्पिटल में जाएं, वहां आपको 1/3, 1/4 रेट पे यही डायबिटीज की मल्टीनेशनल कंपनीज की दवाई मिल रही है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, और एक कॉल लेना जी। वेमिना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी मोहम्मद सलीम साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, आपका इस्तकबाल, अपना सवाल पूछें। टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिएगा सलीम साहब, तभी आप हमारी आवाज क्लियरली सुन पाएंगे और हम आपकी बात सुन पाएंगे। अच्छा, सवाल पूछें प्लीज। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, सवाल पूछें। बिल्कुल, हाँ, हमें पूछना था डॉक्टर साहब से पूछना था, हम सुबह वॉक के लिए निकलते हैं जी। दरख्वास्त आपसे, टीवी सेट पहले दरख्वास्त सुन ले हमारी, सलीम साहब दरख्वास्त,
आप पहले टीवी सेट की वॉल्यूम का जो वॉल्यूम है आवाज है वो बंद कर दें और फोन के जरिए जो आप आवाज सुनेंगे उसी को आप रेस्पॉन्ड करें। आप प्लीज टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें और आप पूछें पूछे। हेलो, हम रोजू के बाद हम वॉक पे निकल सकते हैं या नहीं, इसीलिए डॉक्टर से सवाल करना है कि हमें क्या करना है, आप निकलेंगे या नहीं निकलेंगे वॉक के लिए? राइट, बहुत शुक्रिया। वॉक करने निकलते हैं तो किस किस्म के प्रिकॉशंस करना जरूरी है? वॉक करना बाहर निकलना सही है कि नहीं? जी, मैं बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा। मैं बहुत से लोगों को देखते हैं जो पहले भी अपने दोस्तों यारों के साथ ग्रुप्स में वॉक करने निकलते हैं। मेरे घर के बाहर भी मैं देखता हूं अर्ली मॉर्निंग में, लेकिन मैं इनको वॉक करें जरूर करें, लेकिन मेरा मशवरा यही रहेगा कि आप एक सिंपल सी N95 मास्क लगा के रखें और ग्रुप्स में वॉक ना करें। जब खुदा के फजल से अच्छा टाइम आएगा, कोविड चला जाएगा, तो बेशक गपशप मारते हैं वॉक करें, लेकिन मैं एडवाइज करूंगा आप अगर 5 लोग अकेले हैं तो जरूर वॉक करें, मास्क लगा के करें, आगे कोशिश करें, आगे वहां से कोई अगर बंदा आ रहा है तो उससे थोड़ा डिस्टेंस रख के वॉक करें, लेकिन मास्क लगाए N95 नहीं, सिंपल सर्जिकल मास्क या क्लोथ मास्क लगा के मास्क जरूर लगाए, वॉक जरूर करें, लेकिन ग्रुप्स में नहीं करें। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ ग्रुप्स में करते हैं और आपस में बातचीत करते रहते हैं, तो सोशल डिस्टेंस का तो मकसद ही नहीं रहा। वॉक आपके लिए जरूर है, वॉक सेहत के लिए, आपके साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। आप जरूर करें, अकेले करें और मास्क लगा करें, और जहां किसी पार्क में बहुत से लोग अरे टाइम पार्क में कर रहे हो वो अवॉइड करें, आप पाथ पे करें, वो जहां लोग आपके साथ बंप ना करें। और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए आपने पहले जिस तरह फरमाया कि उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, उनके लिए प्रेफरेबली अगर मुमकिन हो घर में ही वो वॉक। और वैसे भी जो हमारा यहां का तर्ज तामीर है, घर में एक एंटीक में एक हॉल बड़ा होता ही होता है किसी फंक्शन के लिए, वहां पर भी वो वॉक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। IPS बाली साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं पठानकोट से। गुड मॉर्निंग बाली साहब। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर। पूछें प्लीज अपना सवाल पूछें। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मास्क लगाने से नोज और मुंह से वायरस अंदर नहीं जा सकता है, क्या आईज के थ्रू जा सकता है अंदर? ये बहुत शुक्रिया पूछने के लिए, थैंक यू। जी उन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इम्पोर्टेंट सवाल है। आईज और मुंह के अलावा जो तीसरी जो सोर्स है जहां से आपके बॉडी में जा सकते हो वायरस, आईज के थ्रू जाता है। आईज की म्यूकोजा जो है, फर्ज कर लीजिए कोई पेशेंट पॉजिटिव है, वो आपके सामने करीब से अपने जोर जोर से बातें की या कुछ स्नीज कर दिया, जिसको छींक आ गया या खांसा और आपके आंख में वो चला गया, आपके बहुत हाई चांसेस रहेंगे कि आप पॉजिटिव हो जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम हॉस्पिटल्स में होते हैं, इनफैक्ट मैं घर से ही गॉगल्स लगा के जाता हूं और वहां जाके एक शील्ड लगाते हैं। शील्ड लगाने का डबल पर्पज ये होता है, आपकी आईज भी सेफ हो जाती है, आपके नोज माउथ तो है ही, हो मास्क लगाया हुआ आपने, लेकिन आपका वो एक बहुत ही खासकर मेडिकल आईसीयूज में, सर्जिकल आईसीयूज में, हॉस्पिटल्स में जहां पेशेंट बहुत ज्यादा होते हैं, ये बहुत जरूरी है कि आप गॉगल्स, टाइट गॉगल्स में आपने देखा होगा डॉक्टर, और फेस शील्ड बहुत जरूरी है, और प्लेन्स में, जहाजों में वहां दिया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, आई से वायरस अंदर जा सकता है। जी सर, और एक कॉल हमें मौसूल हुई है नूरबाग से, ये फारूक अहमद है। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, पनु सवाल प्रस्तव जनाब, इस पॉजिटिव पेशेंट है ना राफा जी, ठीक जी, शुक्रिया शुक्रिया सवाल प्रश्न बापत। डॉक्टर साहब सवाल समझ, अहन मे समझ कस पड़ी दिमाग जवाब। जी सर शुक्रिया कॉल कर देते। बुझे जल पेशेंट ठीक गो वर्कर नेगेटिव गो तम पा दादी कमर दग, जंगन दग, नरें दग, यह बड़ आम शिकायत यहां वन पोस्ट कोविड सिंड्रोम, कल दौद, नंदर नियन, बश कम आ पेशेंट अख चीज तथा वन मेडिकली ब्रेन फॉगिंग, ब्रेन फॉगिंग तमिस बसान गनूदगी बहुत हेकान कंसंट्रेट कर वुमुत नाम अड़ेन बीमार रतन रतन तन रोजान, दोन रतन, त्रेन रतन, चौन रतन, पांचों रतन तक परेशान गुन जरूरत यथ मज चीज जान गजा खे थोड़ा वर्जिशन कर, बैक एक्सरसाइज डॉक्टर साहब या फिजियोथेरापिस्ट कैसी पर्सन, बट इफ आई कुड हियर हिज क्वेश्चन करेक्टली, ये कह रहे थे कपड़ों के हवाले से कि जो कपड़े इस पेशेंट ने पहन रखे थे या जिस कमरे में था, क्या अफराद खाना उसके वो कपड़े धो सकते हैं जब वो नेगेटिव आता है, और उस कमरे को कैसे ट्रीट करना है, क्या फ्यूमिगेशन की जरूरत? बिल्कुल 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 यथाच एक्सपेक्ट करें, कहां थे गरीब नफर या लेडीज, लेकिन मास्क सो लेकिन गाओ
واشنگ مشینس مز یا ٹبس مز ترا صابن یا سرفن تر مز ترا پلو اڈس گنٹس گنٹس تھو تر مز گلوز لگت تم ہن ماسک لگت آرام سان تم پلو چلت گر ہن تم سپرے کرت سینیٹائز کرت ہائپو کلورائڈ سولوشن ملان بازر بڑ چیپ آسان کین ملان دون ترین ہتن روپیے تھوڑا سا دوا چھڑکان باغن مز مشین سپرے تر مز ترا دہ لیٹر دہ لیٹر آب بیس تر مز ترا زہت ایمبل یا ترہت ایمبل سو دوا تراو سو سو کرتو چو چھڑکاو چون گھنٹن یا بہن گھنٹن تھو کمر بند تم پت کھولیو سو گو جناب سینیٹائز ظاہرین ترائی تو یل درواز ترائی یل فریش ایئر ایتن باقی جا کیوں بیڈ لینے نائسی تم سو کھل بے پرد برد آسن تم ایک تو آرام سان چلی تر اور ایک کال ہمارے پاس آئی ہے اور یہ گرو بازار سے ہمیں اختر علی صاحب کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جناب وعلیکم السلام مے دو سوال کہ ڈاکٹر صاحب چھو ونان دپان چھو تو کری سا یہ گلکو میٹر نہ گاڑی استعمال ات میں چھ کیا فرق گسان بازر کھتے کیا ریڈنگ گسان فرق اوکے شکریہ شکریہ یتھ مجھے بالکل فرق گسان وجہ کیا بازر سیمپل نمان وین مز سیمپل اس یہ گلوکو میٹرکس بلڈ سیمپل اونگجی مجھے ون آرٹیریل اس بلڈ یتھ آرٹیریل یہ صاف خون یتان گلوکوز باڈی مز استعمال گسان یل سو خون صاف کرت وین مز واتان توتام سو گلوکوز باڈی مز کنزیوم گومت باڈی ان خرچومت سو اس یہ گھر گلوکومیٹر سات یا سے ہن 10 تو 15 پرسنٹ پر 15 ملی گرام بلڈ شوگر زیادہ یہ نارملی یا فیزیولوجی بہائنڈ اٹ کیاز کہ وینس تن جو تم بلڈ چھ واتا تک تو تم چاسا سو گلوکوز خرچومت باڈی جی وہ مارجن ہے وہ اس پہ لکھا تو مارجن لے کے چلنا ہے وہ ایک نارمل فیزیولوجیکل فینومینا ہے مشین کی خرابی نہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم مزید بات کریں گے بلکہ جو ہمارے دیکھنے والے سننے والے ہیں وہ آپ سے کچھ اور سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن ذرا دیر بعد بس دو تین منٹ کے لیے ہمیں رکنا ہوگا روزگار خبرنامہ آپ تک پہنچے گا گڈ مارننگ روزگار آج کا آپ تک پہنچائیں گے عارف پرے شکریہ اظہر اور السلام علیکم ناظرین خوش آمدید ہے آپ سبھی کا آج کے گڈ مارننگ روزگار میں دوستو اس سیگمنٹ کے ذریعے ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے ہی پروگرام کو دیکھنے کے دوران روزگار سے متعلق جانکاری حاصل ہو تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا گڈ مارننگ روزگار جموں و کشمیر پبلک سروس کمیشن کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ رجسٹرار کی اسامیاں پر کرنے کی خاطر اہل امیدواروں سے درخواستیں طلب کرتے ہیں اسامیوں کی کل تعداد 91 ہے جن میں سے اوپن میرٹ کے لیے 46 آر بی اے کے لیے 9 ایس سی کے لیے 8 ایس ٹی کے لیے 9 اے ایل سی کے لیے 3 اور ای ڈبلو ایس زمرے کے لیے 9 اسامیاں مخصوص رکھی گئی ہے امیدوار نے کسی بھی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے گریجویشن کی ڈگری مکمل کی ہو البتہ متعلقہ فیلڈ میں ڈپلوما رکھنے والے امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی امیدوار کی عمر یکم جنوری 2021 کو اوپن میرٹ کے لیے 40 پی ایچ سی کے لیے 42 آر بی اے ایس سی ایس ٹی اور ای ڈبلو ایس کے لیے 43 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اپلیکیشن جمع کرنے کے دوران اوپن میرٹ کے امیدوار کو 1000 روپے جبکہ ریزرویڈ کیٹیگریز کے امیدواروں کو صرف 500 روپے بطور فیس ادا کرنے ہوں گے واضح رہے کہ منتخب ہونے کے لیے امیدوار کو تحریری امتحان کے علاوہ انٹرویو کے مرحلے سے بھی گزرنا ہوگا تنخواہ کا سکیل لیول 6 ایف کے تحت 40,800 1,29,200 روپے ہے اہل امیدوار اپنی درخواستیں 16 جون 2021 تک آن لائن موڈ کے ذریعے جمع کرا سکتے ہیں مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ویب سائٹ نوٹ کرے www.jkpsc.nic.in گورنمنٹ آف جموں و کشمیر سروس سلیکشن بورڈ مختلف محکموں میں 2311 اسامیاں پور کرنے کی خاطر جموں و کشمیر کے ڈومسائل رکھنے والے اہل امیدواروں سے آن لائن موڈ کے ذریعے درخواستیں طلب کرتے ہیں اس ضمن میں اسامیوں کی تفصیل یوں ہے جنرل ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ 52 اسامیاں محکمہ مال 528 اسامیاں ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن 1,444 اسامیاں فلوری کلچر 21 ڈپارٹمنٹ آف لا جسٹس اینڈ پارلیمنٹری افیئرز 21 ڈپارٹمنٹ آف سکل ڈیولپمنٹ 6 اور کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ 256 اسامیاں انہی اسامیوں میں سے محکمہ مال میں پٹواری کی 142 اسامیاں بھی پور کی جائیں گی
तनख्वाह का स्केल 25,581,100 रुपए है। उम्मीदवार ने किसी भी तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री हासिल की हो और साथ ही उर्दू मजमून की जानकारी भी रखता हो। इन सभी असामियों के लिए ओपन मेरिट के उम्मीदवारों के लिए उम्र की बालाई हद 40 साल, एससी एसटी आरबीए के उम्मीदवारों के लिए 43, जबकि एक सर्विसमैन के लिए यह हद 48 साल मुकर्रर की गई है। अहल उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त 20 मई 2021 तक जमा करा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए वेबसाइट नोट करें www.jksb.nic.in। दोस्तों, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएंडके में मजीद क्या है वो जानने के लिए चलते हैं अजहर और नाजिमा के पास। गुड मॉर्निंग रोजगार आप तक पहुंचा रहे थे आरिफ परे साहब और गुड मॉर्निंग जे एंड के आप बराह रास्त हमारे साथ देख रहे हैं। बहुत सी कॉल्स हमें मौसूल हो रही है और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्राल से हमें एक कॉल आया है, ये इशफाक साहब हमारे साथ जुड़े हैं त्राल से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सवाल? डॉक्टर साहब से बात कर रही थी। जी जी जी, आप सवाल पूछे, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक्चुअली हमारे रिलेटिव में 15 दिन पहले फीवर था, खांसी थी, तो उन्होंने होम आइसोलेशन की। उनको मैंने बोला था कि टेस्ट करवाएंगे, लेकिन वो उन्होंने अपनी कंजेट नहीं की, वो घर में ही बैठे आइसोलेशन में बैठे, और तो वो पूरी तरह से रिकवर हो रहे हैं। लेकिन हम हेल्दी पर्सन बोल रहे हैं कि हम उनके पास जा सकते हैं कि नहीं, उनका वो वायरस ये भी पता रहा उनसे वायरस था या नहीं था, लेकिन होम आइसोलेशन तो उन्होंने की थी। अब हम बोलते हैं कि हम उनके पास जा सकते हैं कि नहीं। ठीक, कितने दिन वो होम आइसोलेशन में रहे ये क्लियर कीजिएगा। 14 डेज। राइट, बहुत शुक्रिया सवाल पूछने के लिए डॉक्टर साहब। देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि उस पेशेंट का इखलाकी फर्ज बनता था कि वो टेस्ट करवा लेते अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए और पूरी सोसाइटी की सेफ्टी के लिए, अपने मोहल्ले की सेफ्टी के लिए, कम्युनिटी की और सबके लिए सेफ्टी। आज कहा यह जाता है कि एवरीबॉडी वी शुड कंसिडर कोविड, हर आदमी को मान लीजिए खांसी जुकाम बुखार आया उसको कोविड ही मानिए जब तक वो प्रूव अदरवाइज ना हो जाए। नंबर अब उन्होंने नहीं किया और 15 दिन हो गए और रिकवर हो गए हैं, तो ठीक है, अब ऐसा कर सकते हैं कि वो घर वालों के साथ मैंने, लेकिन वो डबल मास्क लगा के रखें, डिस्टेंस रखें अपने घर वालों के साथ बैठने में। सबसे बड़ी बात ये करें कि एक ही कमरे में बैठ के खाना ना खाएं। अच्छा, आजकल तो मैं हर किसी को एडवाइस करता हूं कि आप मेहरबानी करके डाइनिंग टेबल पे खाना मत खाएं, आमने सामने बैठ के खाना मत खाएं, अलग अपने अपने कमरे में, अगर आपका कमरा अलग है तो मास्क उतारें, अदरवाइज खाने के वक्त मास्क मत उतारें, क्योंकि हम ऐसे स्टेज पे हैं कि हम कहते हैं कि घर पे भी मास्क लगा के रखें, क्योंकि ये पिछला वायरस नहीं है, ये स्ट्रेन एक आदमी से सारे घर को लग जाता है। तो वो अब मिल सकते हैं अपने घर वालों के साथ, दूर बैठें, मास्क लगा के रखें, खाने का टाइम अलग खाएं और उनके कपड़े वगैरह कमरा जो है उसको सैनिटाइज कर लें। राइट, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और क्राल पोरा चाडूरा से बिलाल अहमद कॉल कर रहे हैं, फोन लाइन पर है। बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम पिस्तोपन सवाल डॉक्टर साहब बोजान। डॉक्टर साहब, मेरे सवाल की मेरे अंकल पॉजिटिव मंदिरा तुम नेगेटिव, तो सुबह डायबिटीज पेशेंट वही तेज बसान दम हेकती जंगन दाग। ओके ओके ओके, मैं सिम्टम अदर देन दिस मच बेका तकलीफ बसान बूझ तो जवाब जवाब अगर तुम पॉजिटिव दाय ये टेस्ट किस काल पद कौर पांच दो कर दही दो कौर 15 दो कौर नंबर वन सान खुद नगेटिव तूत महान थान क्या पेशेंट सन कंडीशन क्या स्टेबल पेशेंट ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन करा कह तो पेशेंट त्रेन दिन मज हॉस्पिटल मज ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन करे 94-95 बेम त्रेन दिन तफ क्या बगैर पेरेस्टमॉल दपान ये पेशेंट हे घर गूद वहीं तुम्हें चार तुम वो तम सन ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या रोजान अगर जो नमत नमत रोजान पेशेंट ठीक रिकवर गो तो अगर तमिस तफ तु रिकवर गुमत योतान यह तालुक अगर सेचुरेशन ठीक तफ क्या 15 दो गम सुन सा दिन रतन 15 दिन रोजान इन बीमार सह बार बार पाने ठीक करा चेस्ट फिजियोथेरेपी या डॉक्टर साहब बेमिना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी अब्दुल रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, श्रीकाल जी डॉक्टर साहब। श्रीकाल जी जी, सवाल पूछू पन शिकायत मज सेंटरन पा कोविड वैक्सीन करने खे मगर अतान यह अवसर कहीं मोकलोम कौत जान गो तुम सुबह आज सेंटर पे कहीं तो पगह
ڈیٹ تھو تم واپس پیون گھن کی سٹھا شکریہ یہ بوزان تیس پورمت یہ سا جائن پہ ٹیسٹ گھان کووڈ ٹیسٹ گھان آج تہوار فوٹوس پہ اک لڑکی سے گزرم پنجابس من تمس کہین آم سہ تلنے خاطر مگر ریسپانسبلٹی ہند حوالہ تہوار گزارش تک گزارش کران کہ کم سے کم تیسو لکن یہ ہچن اہم سجیشن شکریہ ایز اے سوسائٹی ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب جس طرح میں پروگرام شروع ہونے سے قبل آپ سے بات بھی کر رہا تھا کہ المیہ یہ ہے حد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اس وقت کی ضرورت بن گئی ہمارے لیے آکسیمیٹر کی بات کریں تھرمامیٹر کی بات کریں یا دوسرے ایسی اکوپمنٹس ان کی ضرورت ہے ادویات کی ضرورت ہے لیکن مہنگے داموں پر اگر وہ چیزیں بھی اس وقت فروخت کی جائیں تو مجھے لگتا ہے اس شخص کا ضمیر مر گیا ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہے یہ جنگ جیسی صورتحال ہے جو آکسیمیٹر پہلے 500 کا ملتا تھا وہی آج 5000 کا بک رہا ہے اس حوالے سے جو ایڈمنسٹریشن ہے جو انتظامیہ ہیں ان سے بھی درخواست ہے ہماری کہ اقدامات اٹھائیں اور اسکواڈز بنائیں جو چیک کرنے کے لیے جائیں جو نظر رکھیں کڑی نظر رکھیں ان لوگوں پر جو بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے دوسرا مسئلہ ابھارا وہ بھی اہم مسئلہ ہے کہ ایز اے سوسائٹی ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر کوئی پازیٹو ہے اس کا ہم ساتھ دیں اس کو مینٹلی ہم بہتر فیل کروائیں سائیکالوجیکلی بہتر فیل کرائیں اور اچھوت نہ سمجھے کیا کریں دیکھیں پچھلے سال سے ہی کووڈ کے بعد جو لوگ ریکور ہوئے یا ان کے ریلیشنز تھے یا لوگ جن کو کچھ نہیں ہوا گھر میں تھے جو سائیکیٹرک تکلیفیں ہیں مرض ہیں چاہے وہ اینگزائٹی ہے ڈپریشن ہے یہ ویسٹ سے انہوں نے ڈیٹا دیا ہے کہ 60-70% بڑھ گئے کیونکہ لوگوں کی جاب چلی گئی لوگوں کو گھر بیٹھنا پڑا لوگوں کو کھانے کی مشکلات ہوئی ایون ایفلوئنٹ کنٹریز میں تو پھر لوگوں کو چیریٹی کرنی پڑی تو ہمارے یہاں بھی یہ دیکھا گیا کہ کووڈ چاہے وہ بیمار ہو یا نہ ہو اس کا گھر میں بند رہنا نارمل روٹین نہ جینا اس کے بعد کسی بہت سے لوگوں کی جو پرائیویٹ کمپنی کی جاب چلی جانا یا جو لوگ بزنس چھوٹے موٹے کرتے ہیں ان کا بزنس جانا جو دن دہاڑی کماتے ہیں تو بہت سے لوگ سائیکیٹرک النس جو ہے سائیکیٹرک بیماری میں مبتلا ہو گئے تو یہ ایک بہت ہی کامن میں یہ بھی کہوں گا کہ جو کووڈ سے ریکور ہونے کے بعد فزیکل النیسز اتنی رہی نہیں بالکل اور کہیں نہ کہیں ہم نے ان کو سٹیگمٹائز کر دیا تھا اس میں ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہٹ جائے اور یہ ہماری سوسائٹی کا ہی حصہ ہے آج وہ پازیٹو ہے خدا نخواستہ کل کو ہم پازیٹو ہو سکتے ہیں گرگر کی کہانی ہے اور جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں یونائیٹڈ وی اسٹینڈ ڈیوائیڈڈ وی فال اگر ہم اتحاد ہوگا تبھی معاملات بہتر ہوں گے ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے پیش پیش رہنا ہے لیٹس ٹیک ون مور کال نوگام سے ہماری آخری کال آج کے پروگرام کی بشیر صاحب فون پر ہیں جی بشیر صاحب السلام علیکم السلام علیکم السلام ڈاکٹر صاحب گڈ مارننگ گڈ مارننگ ڈاکٹر صاحب میں پچھلے 10 سال سے ڈائبٹک ہوں مجھے ایچ بی اے ون سی 6 نکلتا ہے 6 صبح شام میں 1 گرام کھاتا ہوں میٹفارمین شام کو بھی 1 گرام میٹفارمین رائٹ کیا میں چینج کر سکتا ہوں میڈیسن یہ کیا یہ ٹھیک ہے سنیے صاحب آپ نے جو ایچ بی ایم این سی بتایا اس کو میں ایکسلنٹ کنٹرول کہوں گا آپ کا شوگر ایکسلنٹ کنٹرول میں ہے اور آپ جو دوائی لے رہے ہیں اس کو ہم ڈرگ آف چوائس پہلی نمبر کی دوائی وہی ہوتی ہے اس کے بہت سے فائدے ہیں اور سب سے سستی دوائی ہے سب سے سستی دوائی ہے آپ اپنی دوائی چالو رکھیں اور اپنا روٹین چالو رکھیں وی آر ڈوئنگ ویری ویل جی بہت بہت شکریہ ناظرین سے کہنا چاہیں گے کہ آج دن میں 11 بجے عوام کی آواز پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی ڈی کوشش سے اور آپ یہ پروگرام یوٹیوب کی لائیو سٹریمنگ کے ذریعے بھی دیکھ رہے ہیں اور لگاتار آپ کے تاثرات بھی ہمیں پڑھنے کو مل رہے ہیں سعید رشید صاحب نے پروگرام کی بڑی تعریفیں کی اور جو اقدام اٹھایا گیا کووڈ 19 کے تعلق سے آپ تک جانکاری پہنچاتی ہے اس پروگرام میں اس کو آپ نے سراہا ہے اسی طرح شاہد صاحب ہیں محمد فاروق وانی ہیں اظہر ہاشمی صاحب ہیں محمد شفیع صاحب ہے پرویز عزیز صاحب ہیں ناظم رشید ہیں اور بھی کئی سارے لوگ ہیں سر صاحب ایک سوال میں لینا چاہوں گی اسما گلزار صاحبہ کا ہے یہ لکھتی ہے مائی فادر از ڈائبٹک اینڈ پریزنٹلی از کووڈ پازیٹو ہی ہیز ناٹ بین ویکسینیٹڈ یٹ پلیز ٹیل می وین شوڈ ہی بی ویکسینیٹڈ سو وین ہی ریکورز فرام کووڈ سی ٹو اٹ دیٹ ہز ڈائبٹیز از کنٹرولڈ تھرڈ تھنگ وین ہی ریکورز from 4 weeks onwards after recovery okay. up to 6 months any time we can get kyunki covid hone ke baad antibodies aa jati hain aapke body mein jo aapko thodi kafi time tak isse bacha ke rakhti hain to 4 hafte se pehle is tarah to pehle hum 2 hafte bhi kehte the lekin hum prefer ye karte hain ki 2 hafte ke baad bhi kar sakte hain lekin
क्योंकि अब देखा गया कि एंटीबॉडीज कुछ देर तक रहती हैं लोगों में, तो चार हफ्ते से लेके छह महीने तक किसी वक्त भी करवा रहे हैं जब इनको। वन मोर क्वेश्चन, सरताज अहमद ने हमें लाइव चैट के जरिए एक सवाल भेजा है कि हमें बताइएगा कौन सा सैनिटाइजर इस्तेमाल करना सही है। सब कोई भी सैनिटाइजर जिसमें अल्कोहल की जो मिकदार है वो 90% से ऊपर हो वो इस्तेमाल करें। वो सैनिटाइजर जिसमें अल्कोहल ना हो, अल्कोहल बेस्ड ना हो, उसके इस्तेमाल वो इसका कोई फायदा नहीं है, वायरस उससे नहीं मरता। राइट, व्हाट वुड बी योर मैसेज फॉर द जनरल मैसेज? मैसेज मेरा यही रहेगा कि वो एक कॉमन ही है कि जो एहतियात हम डॉक्टर लोग या जो भी सोसाइटीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर चलें और मास्क लगा के रखें, डिस्टेंस मेंटेन करें और हाइजीन का ख्याल रखें। अब हमने देखा बाकी हम डरे हैं, लेकिन एक आज से छह हफ्ते पहले हमने देखा कि लोग डरे नहीं थे। जब तकलीफ पिछले साल डिजीज थोड़ी कम थी तो लोग डरे ज्यादा थे, इस बार डिजीज बहुत ज्यादा कंटेजियस है, बहुत फैल रही है और इसके नुकसान भी बहुत हो रहे हैं, जानी नुकसान, तो लोग डरे कम थे। लेकिन मैंने देखा कि अब जब लॉकडाउन के बाद लोग थोड़े बहुत जो है इस पे एसओपी पे अमन कर रहे हैं, तो ये देखें। जब अगर मैं यही मैसेज दूंगा, लॉकडाउन खुलने के बाद प्लीज ऐसा करें, इन चीजों को याद रखें, कोविड इतनी जल्दी नहीं जा रहा है। अगर मान लेते हैं 10 आदमी भी हमारी वैली में कोविड पॉजिटिव हैं और वो प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, तो ये वहीं ये स्ट्रेन अपनी सूरत चकल कर लो, वायरस सूरत बदला लेगा और सूरत बदला के और भी खतरनाक हो सकता है। सब एट रिस्क है, सब रिस्क है, मामला बेहतर हो जाएंगे। स्लोगन ये है WHO का कि नोबडी सेफ टिल एवरीबडी इज सेफ। सारी दुनिया के हर कोने में हर आदमी को सेफ रखना है, तभी हम सब सेफ रहेंगे। वैक्सीनेट करना है, ये करना है, तब तक कोई सेफ नहीं। वंडरफुल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, मुफस्सल जानकारी आपने हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राइट नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप जुड़े रहे आज भी गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम के शुमारे में हमारे साथ। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और खवातीन का एहतराम और इकराम। मुझे और नाज़िमा को दीजिए आज का शुमारा यहीं पर खत्म करने की इजाजत। मास्क अप जैन के, हैव ए ग्रेट डे अहेड, अल्लाह हाफिज़। नासिर।